नसरुल्लागंज तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम लाड़कुई में जहां एक और पूरे देश में लॉकडाउन है, लाड़कुई निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अंजू मैडम के द्वारा एक अनूठी पहल शुरू की गई है, जिसमें गरीब बस्तियों में पहुंचकर लोगों को भोजन की व्यवस्था की, सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए उन्होंने दिन में पहले पूरे परिवार की सूची तैयार की, किस परिवार में कितने सदस्य हैं, फिर उस सूची के आधार पर उन गरीब बस्ती ओझा मोहल्ला में पहुंचकर प्रत्येक परिवार को भोजन की व्यवस्था की गई और गरीब मजदूर परिवारों को आश्वासन दिया कि लॉकडाउन रहेगा तब तक उनके भोजन की व्यवस्था उनके द्वारा कराई जाएगी। नसुल्लागंज से नितिन मालपानी की रिपोर्ट। मैडम, ये आज जो खाना बांट रहे हैं इस बारे में और देश के लिए क्या कहेंगे? ये इन लोगों के लिए क्या, गरीबों के लिए था है ना। मेरा ये था कि किसी तरह इन लोगों के पास अभी जब तक सरकार की योजना से नहीं पहुंच पा रहा है राशन वगैरह, तब तक 2-4, 8-10 दिन जितने भी होगा मैं इनको खाना पहुँचाऊँ। तो मैडम, डेली आप इनके लिए खाना? हाँ, डेली मैं इनके लिए खाना बनाऊँगी। और देश के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगी? देश के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जो सक्षम लोग हैं उनके लिए तो लॉकडाउन में सब चीज़ चलती रहेगी, परंतु ये गरीबों की जो मजदूरी बंद हो चुकी है, वो बेचारे घर में बैठे हैं, उनको खाने तक को नहीं है, तो वो उनका किसी तरह हो जाए।